नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। दोस्तों काफ़ी आपको लिथियम बैटरी और सोलर पैनल की वीडियो दिखाते रहते हैं, लेकिन जो आज तक जो वीडियो दिखाई हैं या तो आपको मोनोपर्क या पॉली या बाईफेशियल या मोनोपर्क हाफ कट ये पैनल वगैरह आपको दिखाई हैं, लेकिन आज आपको एक नई टेक्नोलॉजी और नया पैनल मैं दिखाने वाला हूँ। आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये लूम सोलर। लूम सोलर काफ़ी फेमस कंपनी, आप जानते हैं। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये जो पैनल है, ये ना तो बाईफेशियल है ना मोनो है, ये एक टॉपकॉन पैनल है। आखिर टॉपकॉन होता क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। पैनल ऐसे हैं जो मोनो या पोली या बाईफेशियल या मोनो हाफ कट जो इफ़िशियंसी है उनकी या तो 21% होती है, 20% इतनी इफ़िशियंसी देते हैं। लेकिन जो काफ़ी पैनल मार्केट में है उनकी जो वारंटी होती है या तो 20 साल या 25 साल, लेकिन दोस्तों ये जो पैनल है, ये टॉपकॉन पैनल है, इसकी 32 साल वारंटी होने वाली है। काफ़ी बड़ी बात है, 32 साल तो काफ़ी हो जाते हैं। कंपनी के प्रतिनिधि मेरे पास है, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर पहले तो ये टॉपकॉन होता क्या है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निशी चंद्रा है, मैं लूम सोलर का हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ। सर जैसे मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स काफ़ी सोलर पैनल के हैं, काफ़ी व्यूवर्स जो व्यूज़ आते हैं काफ़ी सोलर पैनल के जो कमेंट आते हैं कि ये सोलर पैनल लीजिए ये, लेकिन आपने जो टॉपकॉन, ये टॉपकॉन है क्या सर, टॉपकॉन पैनल क्या है इसमें? सबसे पहले सभी व्यूअर को नमस्कार। और ये लूम सोलर REI एक्सपो जो नोएडा में हो रही है, जो ये एक नेशनल एक्सपो होता है, बहुत सारे कंपनी सोलर का यहाँ पर आए हैं, तो उस एक्सपो में हमारा स्टॉल पर एक कंज्यूमर को देखते हुए, सभी टाइप के कंज्यूमर, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से हो, सभी को देखते हुए यहाँ पर स्टॉल पर सारे टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले आपका जो है टॉपकॉन, टॉपकॉन का क्या है कि टॉपकॉन सोलर पैनल जो होता है, वह होता है कि आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ये जी। टॉपकॉन का ऐसे फुल फॉर्म में बहुत ही डिफिकल्ट ये वर्ड है, आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। सिंपली इसको समझा जाए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होता है कि सोलर पैनल को खरीदने का चार पैरामीटर होता है जी। कि एक सोलर पैनल की सिलेक्शन हम करते कैसे, तो सोलर पैनल का जो सिलेक्शन होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो एक हम देखते हैं कि ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है जी। क्या हम इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये दिमाग में क्वेश्चन कंज्यूमर के दिमाग में पहले होना चाहिए। तो इस सोलर पैनल में, हम टॉपकॉन की बात कर रहे थे, टॉपकॉन में क्या होता है कि सबसे पहले सोलर पैनल में इफिशियंसी आता है जी। इफिशियंसी बहुत ही सिंपल वर्ड, ऐसे इंग्लिश वर्ड है जी। इसको समझने के लिए जो व्यूअर देख रहे हैं वीडियो, वो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं साइज जी, कि कितना साइज है सोलर पैनल का। उसके बाद है कि जब इस सनलाइट में हम इसको पड़ेगा तो ये कितना बिजली को जनरेट कर पाएगा जी। बिल्कुल। तो यहीं पर आते हैं टेक्नोलॉजी का रोल जी, कि इसमें जो सोलर सेल लगा है वो किस टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है जी। तो यहाँ जो सोलर सेल लगा हुआ है टॉपकॉन बाईफेशियल डबल ग्लास, उसका जो सोलर सेल है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इस सोलर पैनल की जो क्षमता है वो करीबन 22% की इफिशियंसी है। 22% देगा? हाँ, यदि यदि 100 वाट का यदि सनलाइट इस पर पड़ रही है तो उसमें 22 वाट ये निकाल के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएगा जी। आज से 5 साल पहले जो इफिशियंसी होता था 14% 15% जी, इसी के लगभग साइज में करीबन 340-250 वाट का सोलर पैनल आता था। आज से 4-5 साल बाद आप देखिए कि इसकी इफिशियंसी बढ़ने से ये 250 वाट का पैनल आज 575 वाट का, और ये दोनों साइड से जब जनरेट करेगा तो 700 वाट का जनरेशन करके देगा। 700 वाट दैट इज अ वेरी वेरी एडवांस सोलर पैनल। ये बेनिफिट्स कंज्यूमर को होता है। तो पहला तो हो गया इफिशियंसी, दूसरा होता है दूसरा जो होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी, कि जो कंपनी दावा कर रही है कि जो कंपनी दूसरा जो होता है ड्यूरेबिलिटी, जो कंपनी दावा कर रही है कि 32 साल चलेगा, वो किस चीज़ पर दावा कर रही है। तो ये होता है इसमें जो बनने वाले जो कंपोनेंट मटेरियल लगते हैं, जिसमें हो गया इसमें फ्रेम ग्लास सेल बैक्स, इसमें बैकसीट की ज़रूरत होती नहीं है जी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितना ड्यूरेबल है, तो इस पर वारंटी होता है। तो इसका परफॉर्मेंस वारंटी 32 साल की है, और इसकी प्रोडक्ट वारंटी जो इसमें किसी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा है वो 12 साल की होती है। तो दो होता है वारंटी और इफिशियंसी। उसके बाद आता है इसका डिग्रेडेशन जी,
कि आप सुने होंगे कि इसकी कोई भी प्रोडक्ट नया में खरीदेंगे तो बढ़िया जनरेशन करेगा जी। और धीरे धीरे एज जब कमता जाएगा तो उसका जनरेशन कम होता चला। सीट पर जाके एक बार ज़रूर चेक करें हर कंपनी का कि क्या है नहीं है। इसका जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट का है वो है आप 10% से भी कम इसका डिग्रेडेशन अक्रॉस द पीरियड रहेगा। और उसके बाद आता है कि इतना जब हो गया तो अब इसमें होता है टेम्परेचर कोफिशियंट। टेम्परेचर कोफिशियंट ये होता है कि इंडिया जो हमारा देश है हर जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है जी, बिल्कुल। कहीं पर बर्फ ही बर्फ है तो कहीं पर बारिश ही होते रहती है तो कहीं धूप ही धूप है जी। टेम्परेचर वेरिएंट होते रहता है तो इसको टेम्परेचर को उस तरीके से बनाया जाता है कि कहीं भी लगाया जाए वर्किंग करते रहना चाहिए। तो -80 डिग्री मतलब 80 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये काम करेगा और माइनस में 40 डिग्री पर भी ये टेम्परेचर पर ये काम करते रहेगा। तो ये पूरा का पूरा इस प्रोडक्ट का फायदे हैं। ये हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सनलाइट का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप उनके बारे में सोचिए जहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम देखने को मिलता है, आप भी काम करें। लद्दाख में हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कहीं पर बारिश ही होती रहती है। जैसे कि आप साउथ कुछ एरिया चेरापूंजी और ये सब गोवा ये सब में चले जाएंगे तो वहाँ बारिश ही सिर्फ होती रहती है कभी कभी। तो वहाँ पर आप उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे अपना लाइफ जीते होंगे बिजली पर। हाँ काम करेगा सर, मतलब इसका टेम्परेचर कोफिशियंट यही है कि कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक ये सोलर पैनल काम करेगा। तो ये इसका -40 से +80 डिग्री तक टेम्परेचर पर काम करते रहेगा। सर कितने बस बार के साथ में मिलेगा ये? 16 बजवार है। 16 बजवार जी हाँ, ये 16 बजवार में है। ये बजवार का बेनिफिट्स ये होता है कि इफिशियंसी जो हम बात कर रहे हैं कि सोलर पैनल की जितना इफिशियंसी बढ़ेगा साइज भी बढ़ सकता है और ये सोलर सेल का बजवार भी होगा। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर सोलर पैनल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, मेगावाट उससे ऊपर का सोलर पैनल लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। सर आपने काफ़ी प्रोडक्ट इधर लगा रखे हैं, उनके बारे में बताइए सर। इसमें 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का ये इंडिया का सबसे एडवांस सोलर पैनल में है कि 12 वोल्ट में अभी तक आप देखते होंगे 135 वाट, 165 वाट, 150 वाट, 160 वाट। ये लूम सोलर ने 225 वाट बनाया है। 225 वाट की हमें लगता है कि एक बैटरी जिनके पास जनरली 80H और 125H और 150H की बैटरी आता है उनके साथ एक बैटरी पर ये सफिशियंट काम करते रहेगा। तो ये 12 वोल्ट में सोलर पैनल है। ये इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी इफिशियंसी इसका कम होगा, 20% का इसका इफिशियंसी होगा क्योंकि इसमें इफिशियंसी बढ़ाया जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इन्वर्टर में दिक्कत हो सकती है। सर हम जैसे बात करें कोई व्यूअर्स अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहे इसे तो ये एक बैटरी को कितने समय में चार्ज कर सकता है सर? सोलर देखिए बैटरी में वो 2-3 टेक्नोलॉजी है कि उनके पास कौन सा बैटरी है। उनके पास यदि नॉर्मल बैटरी है, लेड एसिड की बात करें, लेड एसिड में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आता है, उसमें नॉर्मल बैटरी रहता है उसकी चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है जी। तो उसका करीबन C20 बैटरी रहता है तो वो करीबन 20 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन सोलर पैनल 10 घंटे ही वर्क करेगा तो उसको एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाना पड़ जाएगा। यदि वो सोलर बैटरी में जाएंगे तो C10 रहता है और यदि वो लिथियम बैटरी में जाते हैं तो और 4 घंटे में चार्ज कर देगा। लिथियम तो बैटरी को 4 घंटे, 4 घंटे में चार्ज कर देते। तो बैटरी की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टेक्नोलॉजी का बैटरी लगाए हुए हैं। सर जैसे मैं अब थोड़ा सा आपको रोकूंगा, जैसे आपने टॉपकॉन की बात करी थी, ये 570 वाट का आपने बताया था और 700 वाट ये बिजली जनरेट करेगा, तो डायरेक्ट क्या क्या लोड चला सकता है सर बिना बैटरी के? जहाँ पर दूर दूर तक लाइट नहीं देख रहा हूँ मैं, कहीं भी नहीं है, ग्रामीण एरियाओं में काफ़ी लाइट नहीं होती है, वो डायरेक्ट चलाना चाहते हैं फार्म हाउस पर, क्या क्या चला सकते हैं? देखिए डायरेक्ट तो सीधा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नहीं चल सकता है, एसी करंट पे नहीं चलेगा, नहीं एसी नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके साथ क्या है कि जितना उनकी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा वोल्टेज का उनको सोलर पैनल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि वो उस तरीके से करेंगे तो चल जाएगा, बट ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वो पैनल ज़्यादा ना लगाएं, आप वो बैटरी की कैपेसिटी उतना रखें जिससे उनका काम चले, क्योंकि ज़्यादा डायरेक्ट चलाना चाहेंगे तो वो लोड जैसे ही बढ़ेगा तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो उस केस में आप एक बैटरी पर इन्वेस्टमेंट करें और डायरेक्ट ही काम करता है, काम डायरेक्ट करता है, लेकिन
कभी बादल आ गया या कहीं पर लोड बढ़ गया, उस समय में सोलर पैनल सपोर्ट नहीं किया तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा और घर में चलने वाले सारे उपकरण बंद हो सकते हैं। तो डायरेक्ट हम रिकमेंड नहीं करते हैं, वो बैटरी पर इन्वेस्टमेंट करें, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी, बैटरी की कैपेसिटी छोटा रखें, पूरे सेटअप पे ही चलाएं। जी हाँ, क्योंकि असल ये बताएं, जो ये पैनल हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई अगर ख़रीदना चाहे तो कितने रुपए वाट में मिलने वाला सर ये? देखिए, कितने रुपए पर वाट हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस जो डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी, कहाँ पर डिलीवरी है, बहुत सारे ऐसे नंबर पैरामीटर होता है जी। तो इसके लिए हमारे जो वेबसाइट है loomsolar.com, वहाँ पर जाके अपना इंक्वायरी शेयर करें, वहाँ पर जो लोकल पर्सन होंगे जी, वहाँ के लिए जिस एरिया का रहेगा इंक्वायरी, वहाँ के डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे। और हमारे वेबसाइट पर सारा प्रोडक्ट की प्राइसिंग जितने भी हम बताए सारा वहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। कॉन्टैक्ट हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है टोल फ्री 8750-77880। वेबसाइट loomsolar.com। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के ये पैनल हैं और लूम सोलर कंपनी काफ़ी आपने सुना होगा, फेमस नाम है और सर मेरे पास में है, काफ़ी फेमस चेहरा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैनल है, अगर आप ख़रीदना चाहें, टॉपकॉन नई टेक्नोलॉजी के साथ में पैनल लॉन्च किए गए हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सर ने कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट वगैरह बता दी हैं, आप वहाँ पर जाकर किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।